ऐसा डिसीजन है जिसकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और नोटबंदी और जीएसटी दोनों ही इस देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा अर्थव्यवस्था के लिए। और ये एक साल के अंदर हमने देखा कि हर तरह से हर वर्ग इस चीज से परेशान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही कि क्या नोटबंदी एक साल के अंदर देश को पीछे लेकर गई या चार कदम आगे लेकर आई। कई तरीके के पहलू भी निकलकर सामने आए। कोठारी जी बहुत साफ कह रहे हैं कि लघु उद्योग जो है वो खत्म हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और बेरोजगारी कब तक रहेगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो सृजन की क्षमता है उसको लेकर कोई गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट है जो वो मंदी के दौर से गुजर गया। उसका दूसरा पहलू ये है कि मध्यम वर्ग आसानी से अब पैसा इन्वेस्ट भी कर सकता है। दूसरा गोल्ड का उन्होंने इशू दिया कि गोल्ड जो है वो भी सस्ता हो गया। चलो कह सकते हैं कि गृहणियों के लिए ये एक अच्छी चीज है। म्यूचुअल फंड में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हुआ लेकिन उसको किस तरीके से यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, ये गवर्नमेंट समझ नहीं पाई। लेकिन सवाल ये है कि संजय बापना जी, आपने ये कहा कि जो रियल एस्टेट में मंदी आई है वो भी एक ड्रॉबैक है, सर ये ड्रॉबैक कैसे है? देखिए, रियल एस्टेट में मंदी का मतलब ये हो गया कि लगभग हर सेक्टर उससे इफेक्ट होता है। आपकी माइनिंग कम हो गई, आपके स्टील इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, सीमेंट इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, मार्बल इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, ग्रेनाइट को इफेक्ट करता है, एल्यूमिनियम को इफेक्ट करता है, कॉपर को इफेक्ट करता है, लगभग हर सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उसको इफेक्ट करता है। वहाँ पे सारा प्रोडक्शन कम हो गया है, माइनिंग कम हो गई है, बेरोजगारी हो रही है। जो सीमेंट कंपनी तीन तीन शिफ्ट चलाया करती थी वो एक शिफ्ट पे आ गई है। जो स्टील इंडस्ट्री एक के बाद एक लग रही थी लगना बंद हो गई है, उनके एक्सपेंशंस बंद हो गए हैं। 30% रोजगार देता है केवल रियल एस्टेट। ये देखिए 30% देता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा हिट हुआ है और इतना ज्यादा रोजगार कम हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज आप चौकटी पे चले जाइए, आप देखिए जो वहां मजदूर था वो बेचारा मजबूर होके अपने गांव चला गया। जो आदमी चौकटी पे एक चाय बनाने वाला 30 किलो दूध की चाय बनाता था वो अभी 5 किलो दूध की चाय बना रहा है। अगर चाय पीने की कैपेसिटी भी खत्म हो गई है। बिल्कुल हुई है, चाय पीने की कैपेसिटी भी कम हो गई और लोग भी कम हो गए। नरेगा में एनरोलमेंट होने लगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वो जाके नरेगा से जुड़ गया। नरेगा में एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब वो डायरेक्ट सरकार को नुकसान हो रहा है। नहीं, 500 रुपए महीने कमाने वाला 180 रुपए। अब आप फार्मिंग सेक्टर पे आ जाइए। मनीष जी, क्या एक दूसरा प्लान तो नहीं कि जो मोदी जी कहते थे कि नरेगा जो है वो कांग्रेस का फेलियर है, उस फेलियर को ही सक्सेस करने के लिए कर दिया गया? नरेगा को उपयोगी बने, खाली खड्डे भरने खोदने से हटा के अब आप उसको वेयर हाउस बना रहे हैं, उसमें चार नई चीजें जोड़ दी है, केवल बाढ़ बनाने की बातें भी जोड़ी गई है, उसको उपयोगी बनाने का काम तो किया ही है। यानी कि जो बजट में बात आई है, जिनको आप कह रहे हैं कि वो रोजगार कर रहे हैं वो मनरेगा में कर रहे हैं। नहीं, 25% मैं नहीं कह रहा, 25% जो है उसमें नई चीजें जोड़ी गई है जो उपयोगी है ग्राम विकास के लिए भी और सामुदायिक रोजगार के लिए भी, उनको उपयोगी बनाया गया। पहले वो वेस्टेज इसलिए कह रहे थे कि उसमें खड्डे खोदना और भरना, क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा जी। आप मुझे 5 उपलब्धियां गिना, मैंने आपको बताया ना, और पांचों बातें बताई मैंने आपको। कहा जो आतंकवाद पर हमारी चोट की बात थी, आतंकवाद की घटनाओं में जो कमी हुई है वो साफ जाहिर करती है। पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी हो गई है, बैंक लूट रहे हैं वहां पर। नहीं, आप एक दो अपवाद स्वरूप बात आप मैं नहीं कहूंगा। देखिए, अपराध के बारे में जब बात की जाए उस समय कानून की बात इसलिए की जाती है उसको रोकने के लिए, वो इसके कारण हो गया ऐसा नहीं है। मैं एक कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैंने आपको कहा जो भी कोई रोजगार सृजन की बात इन्होंने बार बार उठाई उसके कारण भी इस तरह के आंकड़े तक उपलब्ध अगर नहीं है तो आप ये कैसे? सर, आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रोजगार दिया गया, आपको बता रहा हूँ नए उद्योग लगे इस विषय के। नए उद्योग लगने की बात मैंने आपको बताई थी, वैश्विक मंदी के कारण ये बात आई थी कि पहले वाला जो सर छोड़िए राजस्थान में कोई भी उद्योग नोटबंदी की वजह से बंद नहीं हुआ। कोई भी कोई भी तीन बड़े उद्योग राजस्थान में लगे हो ये बता दीजिए। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जब रियल एस्टेट का बिजनेस डिमोरलाइज होता है तो और बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, एक सामान्य धारणा है, किंतु आंकड़े इसमें भी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और जब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जब तक आप इस डिस्कशन में नहीं पहुंच सकते। राजस्थान में आशंकाएं बताई जा रही है, बड़े उद्योग लगे ये बता दिए जा रहे हैं, वो सब बातें हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ,
अगर आपको कोई मेजर फैक्टर ऐसा ध्यान में आता है कि इतने लोग के कारण भुखमरी में कोई डिफरेंशिएट आया नहीं आया, सुसाइड कर रहे हैं पीछे, सुसाइड कर रहे हैं, देखिए अगर आप, मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप इसको सर, ये आंकड़ा कौन झुटाएगा, चर्चा करने कौन झुटाएगा आंकड़ा, आप बताएंगे तो सैनी जी झुटाएंगे, मैं झुटाऊंगा सर, जो भी उपलब्ध है आंकड़े उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता है कि बेरोजगारी, सर आंकड़े जब झुटाएंगे ही नहीं तो जाहिर कहां से होगा, मैं तो आपको कह रहा हूं ओम सैनी जी, सर ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही क्योंकि मैं हजारों लोगों से मिल रहा हूं सर, पिछले एक साल में हजारों लोगों से मिला हूं और उनका जो दर्द है ना वो वाकई में सही दर्द है, वो कह रहे हैं कि रोजगार खत्म हो गए, हमें रोजगार बदलना पड़ा है, प्राइवेट सेक्टर के लोग कह रहे हैं कि हमें इंक्रीमेंट नहीं मिला है, वक्त पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, मैं तो केंद्रीय मंत्री रूडी नहीं, का नौकरियां नहीं हो रही है, केंद्रीय मंत्री रूडी का स्टेटमेंट दोहराना चाहता हूं, जिन्होंने कौशल विकास के जो मंत्री हैं वो जो कि सब ऐसी लेबर तैयार करेंगे जो अपने आप में पारंगत हो, स्किल्ड हो, उनके पास में वो पारंगत तो बना रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं है, वो मैं मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये केंद्र सरकार के मंत्री का कहना है सर, मनरेगा खुला है ना मनरेगा उसमें कौशल विकास सबको खपा देंगे वहीं पे, स्किल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में जितने प्रकार के प्रोफेशन आते हैं, काम आते हैं, वो सब खुले असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं जो अपनी मजदूरी वैसे भी करते हैं, वो कोई फर्म में काम करने वाले हैं या उनको कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली है ये बात पहले ही नहीं है, अगर वो लोन लेना चाहते हैं और उसके जरिए अपना व्यवसाय रोजगार करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, और यही मैं कहना चाहता हूं कि इस कारण से जो ये डाइवर्जन हो गया होगा किंतु बेरोजगारी का पैमाना इतना नहीं बढ़ा है जितना की आशंका जताई जा रही है। ठीक है सर, मुझे फिर लगता है कि आंकड़े गलत कहते हैं कि 5 लाख बेरोजगार जो पंजीकृत हो जाते हैं, सिर्फ राजस्थान का आंकड़ा है सर ये जी, मैं आपको कहना चाहता हूं अब जब और विभाग 9 लाख 46 लोगों को रोजगार दे पाता है ये भी राजस्थान का आंकड़ा है, 9 लाख कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है सर, 9 लाख नए प्रोविडेंट फंड खाते अगर उसमें होते हैं रजिस्टर तो वो लोग हैं नए जिनको की सैलरीड इनकम मिलती है, तो अगर 9 लाख रोजगार सृजन तो हुआ ही है ना, 1 लाख को सरकारी नौकरी दे दी, 2 लाख लोन दे दिया, ऐसे हमने बताया आपको 12 लाख टोटल रोजगार क्रिएट हुआ, कहां राजस्थान का जी, राजस्थान में 9 लाख लोग जी प्रोविडेंट फंड में नए खाते रजिस्टर हुए हैं और यही कारण है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा कोठारी साहब अपने आप आ गए, नहीं कोठारी साहब आ गए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कोई प्रोविडेंट फंड में खाता खुलता है उसका जिसकी सैलरी इनकम होती है और नए खाते अगर रजिस्टर हुए हैं तो वो नए रोजगार है, एक दूसरी बात 1 लाख सरकारी रोजगार है और 2 लाख लोन दे दिया है उद्यम लगाने के लिए, ये कौन सा तर्क आप दे रहे हैं, 15 से 21 सैलरी होते ही वैसे ही उसके अंदर खाता खुल जाएगा सर, ये कौन सा तर्क, साल भर पहले जो लिमिट बढ़ाई थी 15,000 की जगह 21,000 की, तो नेचुरली उनको कंपलसरी उसमें पीएफ में, ये कौन सा लोग नहीं आएंगे लेकिन नए खाते खुलेंगे जो मैं बता रहा हूँ, वो नए खाते रोजगार नहीं है, उसमें डिफरेंशिएशन इतना नहीं है, वेतन वृद्धि इतने प्रतिशत में नहीं बता सकते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ उसमें वेतन वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे अगर आप तो मुश्किल से 20% लोग ऐसे होंगे सर, कितनी बार मांग की गई है कि 12 लाख का श्वेत पत्र जारी कर दीजिए ना, निश्चित तौर पे हमने हमारे उसमें कहा है 3 साल की उपलब्धि में, तो हमने 12 लाख नए रोजगार नए सर 3 साल के दौरान तो 7 लाख का आंकड़ा था, तब 12 लाख कहां से कर दिया, इसलिए बताया 9 लाख तो नए प्रोविडेंट फंड खाते में रजिस्ट्रेशन है, 1 लाख सरकारी नौकरी और 2 लाख ऐसे लोन है जो नए रोजगार लगे हैं कौशल विकास, ठीक है ओम सैनी जी, शायद आप डाइजेस्ट कर पाए सर, कीजिएगा जी, मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, हमारे कागज में लिख कर दिया है हमने, अगर रियल स्टेट को छोड़ दिया जाए, बेरोजगारों को भी छोड़ दिया जाए, उन गृहणियों को भी छोड़ दिया जाए जिनकी जो सेविंग थी वो अब पारदर्शी हो गई है, मनीष जी के हिसाब से सफेद हो गई है, उसको भी ब्लैक में काउंट कर रहे थे, तो सर इसके अलावा और भी सेक्टर होंगे जहां पर असर पड़ा होगा, देखिए आप कहीं और ना जाइए, मैं राजस्थान की 38 यूनिवर्सिटी हैं जी, 38 यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फैकल्टीज से जो लोग PhD करके निकल रहे हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, आप एक जॉब के लिए एडवर्टाइज कीजिए और 1,000 लोग आ जाएंगे, ये बड़ी सहज हर रोज घटने वाली घटना है, इसलिए आंकड़ों के रास्ते पे ना जाकर के जो सामने नजर आता है जी, ये संतुष्ट करना चाहते हैं कि आप संतुष्ट हो जाएं, गलत नहीं तो अभी पीछे नालों की सफाई के लिए नौकरी निकली थी और उसमें जो है PhD के लोग भी आना चाह रहे थे, ये राजस्थान की तस्वीर, अब बताइए ऐसी स्थिति में उसके बाद में जो इस तरह के सुखद दृश्य दिखाने की चेष्टा की जाती है, सर शब्द आपने अच्छा इस्तेमाल किया, तो ये अपने आप छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं क्योंकि सुखद ही इसको कहा जा सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है, अब बदल नहीं सकता है, सिर्फ यही तय किया जा सकता है कि आगे का भविष्य उज्जवल हो, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। नोटबंदी करने से जो मजदूर वर्ग है चाहे किसी भी कोई भी व्यापारी वर्ग है कोई भी वर्ग हो सबको फायदा हुआ है, और जो नक्सलवाद है आतंकवाद है
वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, उनको आने वाले समय में इसका परिणाम जो है, और गरीब तबके विशेष करके जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होगा।